आज भाजपा अध्यक्ष श्री विजय सांपला जी के नेतृत्व में निकली जा रही विजय संकल्प यात्रा के फगवाड़ा आगमन पर विधायक श्री सोम प्रकाश और मेयर श्री अरुण खोसला ने पार्टी के अनुशासन की धज्जियां उड़ाते हुए पार्टी की साख को धक्का पहुंचाया है। आज फगवाड़ा आगमन पर फगवाड़ा का पहला कार्यक्रम भगवान विश्वकर्मा मंदिर में था। 500 के लगभग कार्यकर्ताओं ने स्कूटर रैली से यहाँ यात्रा का स्वागत किया, पर सूचना देने के बाद भी यहाँ पर विधायक जी और मेयर दोनों अनुपस्थित थे। दूसरा कार्यक्रम बसरा पैलेस के बाहर हुआ, जिसका आयोजन विधायक श्री सोम प्रकाश जी ने किया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं और प्रदेश अध्यक्ष जी की उपस्थिति में विधायक सोम प्रकाश जी ने जहाँ अपने विकास कार्यक्रम का जिक्र किया, वहीं उसके साथ पार्टी नेताओं पर निशाना साधते हुए लोगों को भड़काने वाला भाषण दिया। तीसरा कार्यक्रम गांधी चौक में पूर्व विधायक मोहनलाल बंगा जी द्वारा किया गया। उस कार्यक्रम का मंच संचालन करते हुए प्रदेश महामंत्री श्री मंजीत राय ने विधायक सोम प्रकाश जी को बोलने के लिए आमंत्रित किया, तो सोम प्रकाश जी ने इनकार कर दिया। और उसी समय के आसपास जब विधायक सोम प्रकाश और मेयर अरुण खोसला के समर्थकों ने मोहनलाल बंगा के मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए, मुर्दाबाद के नारों से स्थिति भड़क गई। और जब कुछ लोग स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे थे, तो रथ के ऊपर से मेयर ने अपने कार्यकर्ताओं को मोहनलाल बंगा के बेटों को सबक सिखाने को कह दिया। सोम प्रकाश जी और मेयर के कहने से उनके समर्थकों ने मोहनलाल बंगा जी के समर्थकों पर हमला बोल दिया, जिससे वहां तनाव हो गया। इस उपरांत संगठन ने वहां माहौल सामान्य करने की कोशिश की और श्री विजय सांपला जी के संबोधन के बाद यात्रा आगे बढ़ गई। विधायक सोम प्रकाश जी ने इससे पहले आयोजित महिला सम्मेलन में पार्टी के नेताओं के विरुद्ध बयानबाजी की और इस कार्यक्रम में मंडल और जिले को भी आमंत्रित नहीं किया। ऊपर लिखित विषय पर हमने भाजपा हाईकमान से विधायक सोम प्रकाश और मेयर के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। सैनी वाला तो शुरू हुई थी ना, पर फाजल का वो राजपुरा आनंदपुर साहब के फगवाड़ा पहुँचे और बहुत वधिया रिस्पॉन्स जरा देखने मिल रहा। और ये तो क्योंकि मीडिया के माध्यम के नाल भी तो तक रिपोर्ट पहुँची होनी और इतने भी तो उत्साह कार्यकर्ता जी नज़र आ रहे हैं और कार्यकर्ता इस वे पूरी तरह तैयार है 2017 दी चोणा ने और नवा कीर्तिमान स्थापित करने लिए भी तीसरी बार लगातार सरकार बनाने लिए कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार है। और ये जो जिस तरह कार्यकर्ता के रिस्पोंस मिल रहा, जिस तरह हजूम और ये उत्साह के नाल पूरे आनंदपुर साहब का अब बहुत जोरदार सी, फिरोजपुर किसी जगह तो भी असं देखिए कि और इस तो इलावा भी बहुत सारे खेत्र जिथे साडा प्रोग्राम नहीं है, जिस तरह सुनाम, खंगरू, लिखी, इस तरह भवानीगढ़।